सुन रहे थे। इधर छात्रों के हित में बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज की शुरुआत होगी, तो 12वीं के बाद बाहर नहीं जाना पड़ेगा, राज्य में ही अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिल सकेगी, प्रमुख शहरों में खुलेंगे कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज। तो 12वीं के बाद किसी दूसरे राज्य में नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, तो अंग्रेजी मीडियम कॉलेज खुलेंगे, आगामी 3 साल में सभी जिला मुख्यालयों में कॉलेज होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया, उन्होंने मुख्य सचिव को दिशा निर्देश भी इस बाबत दे दिए। तो प्रमुख शहरों में खुलेंगे कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज। और हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, जाहिर है कि एक बड़ा प्लान यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से बनाया गया, क्या क्या इस प्लान में है? देखिए यकीनन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच वहाँ तक जा रही है जहाँ तक अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की राज्य के भीतर यदि सत्ता रही हो तो वहाँ तक नहीं गई है। मुख्यमंत्री का भाषण अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, बलौदा बाजार से मुख्यमंत्री रूबरू थे और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि कॉलेज खुल जाएंगे तो बस्तर का आदिवासी भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगेगा और ये पहले मुमकिन नहीं था। दरअसल मुख्यमंत्री की मंशा जिस तरीके से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने को लेकर है, जहां पर हर तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा पा रहे हैं जिन्हें ये नसीब भी नहीं हो पा रहा था, तो अब ये जब स्कूली स्तर पर ये फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा, ज़्यादातर ब्लॉक लेवल से या और निचले स्तर पर जाएं तो वहाँ से स्वामी आत्मानंद स्कूल की डिमांड्स अब लोगों के बीच से निकल कर सामने आ रही है, तो मुख्यमंत्री ने सोचा कि इस एजुकेशन के स्तर को हायर एजुकेशन में भी तब्दील करना चाहिए और लोगों के बीच से ये डिमांड भी निकलकर सामने आई थी, शायद ये एक बड़ी वजह रही होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट किया, ट्वीट के बाद बकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 10 प्रमुख नगरों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय खोले जाएंगे। ये एक प्रयोग के तौर पर होगा और जिस तरीके से स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम को कई स्कूलों को अपग्रेड कर इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया या नए स्कूल इस्टेब्लिश किए गए तो प्रॉपर सरकार तक रिजल्ट पहुंचे, बड़ी तादाद में डिमांड्स आई, तो सरकार ये उम्मीद कर रही है कि अंग्रेजी महाविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आ रही है ये कॉन्सेप्ट भी सक्सेसफुल होगा और बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे जो राज्य के बाहर जाने को मजबूर होते थे, आर्थिक चुनौतियां उनके सामने होती थी, उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने वाली योजना होगी, ये सरकार का मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।